hi everyone good evening uh, my name is anuj jindal i welcome you to this session wherein i want to talk about phase two of rbi phase one A lot of people are talking about the cutoff, the expectations out of phase one but i like to look a little forward and when i look forward i see a lot of students not doing anything for the next six seven days and not trying to predict or forecast what might happen in phase two based upon the phase one. And then I see a little bit of students a crowd hai, uh, that that is smarter, of course, that is working harder. And that is ultimately going to make through the examination. And they are looking at what is expected in phase two. How can the exam evolve this year in phase two? Therefore, I thought. As a teacher, it is also my responsibility to think of the same and then to talk about the same with you guys. So, based upon phase one examination, more than the cutoff, more than anything else, it's important to understand because the war is not over yet. And therefore, it becomes important to understand what is expected in phase two based upon the evolution of the exam in phase one this year. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू मैंशन हेयर इज प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर की फिर से हेल्प ली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम किस तरह से चेंज हुआ है लास्ट ईयर से इस ईयर में और इस चेंज के बेसिस पे वॉट इज द एक्सपेक्टेड चेंज इफ एट ऑल इन फेज टू और उसके हिसाब से ही मैं तैयारी करना चाहूंगा और करवाना चाहूंगा स्टूडेंट्स को so तो लेट्स माइन अंडरस्टैंड तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना एक बार अगर नहीं देखें तो लेट्स माइन अंडरस्टैंड कमिंग बैक फेज वन में हमने देखा कि फाइनेंस करेंट का जो वेटेज था वो और भी ज्यादा बढ़ गया लास्ट ईयर वी सॉ एन इंक्रीज इन द वेटेज ऑफ फाइनेंस दिस ईयर वी सी वी सॉ 40 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 80 फ्रॉम फाइनेंस ओनली इन करेंट तो आरबीआई टू फोर सेवन की रेलिवेंस और बढ़ गई बट एट द सेम टाइम डेवलपमेंट तो है ओवर द लास्ट ईयर एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग एंड इनफैक्ट इसकी वजह से फेज वन की कट ऑफ बढ़ भी सकती है बढ़ेगी ही बिकॉज स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस हम लोग तैयारी करके बैठे थे आरबीआई टू फोर सेवन सब लोग सीरियसली देख रहे थे बट एट द सेम टाइम दिस मीन्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो है उसमें फोकस स्टैटिक पे होगा नंबर वन अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव एमसी की उसकी बात कर रहा हूँ वहां पे लास्ट ईयर ऑल्सो द फोकस वॉज ऑन स्टैटिक पोर्शन द सिलेबस पोर्शन इन बोथ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे एक आध क्वेश्चन शायद इधर उधर था आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग सिमिलर दिस टाइम ऑल्सो बिकॉज करेंट में से यहां से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने ऑलरेडी बट आंसर राइटिंग में लास्ट ईयर वी सॉ फाइनेंस करेंट बेस्ड था सो दैट इज हाउ दे क्रिएटेड द बैलेंस कि आंसर राइटिंग में करेंट बेस बहुत ज्यादा पूछ लिया और ऑब्जेक्टिव में सिलेबस ओरिएंटेड ज्यादा पूछ लिया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग सिमिलर दिस ईयर आल्सो तो ये इवोल्यूशन इस तरह से होगा कि और इंटेंसिफाई हो सकता है कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में फाइनेंस आंसर राइटिंग के तीनों ही क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड पूछ लिए छह में से और जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे ही सिलेबस से पूछे गए करंट अफेयर्स का पूछा ही नहीं या एक आध क्वेश्चन पूछा दैट इज माई प्रोडिक्शनोर्स वी हैव टू ट्राई एंड प्रिपेयर एवरीथिंग बट इससे हमें एक डायरेक्शन मिलती है जिससे हम ज्यादा अच्छे माइंडसेट से एग्जाम में जा सकते हैं और उससे पहले तैयारी कर सकते हैं दिस इज नंबर वन नंबर सेकंड पे आते हैं नंबर सेकंड इज अबाउट ईएसआई फेज वन में हमने देखा ईएसआई में गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी नहीं गई थी दिस वाज अगेन अ डेवलपमेंट ओवर लास्ट ईयर नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कीम्स कम पूछी गई थी कंपेयर्ड विद लास्ट टू लास्ट ईयर तो उन्होंने और डेवलपमेंट किया कि और इंटेंसिव है फाइनेंस की तरफ कर दिया गवर्नमेंट स्कीम्स का वेटेज ईएसआई में से कम कर दिया बट एट द सेम टाइम इन फेज टू हमने देखा था कि ई एस आई ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा करेंट बेस्ड होता है उसमें स्टैटिक सिलेबस में से बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग टू कंटिन्यू क्योंकि यहां नहीं पूछा तो वो यहां पूछना चाहेंगे जरूर और ई एस आई आंसर राइटिंग में मेजर फोकस उनका रिपोर्ट्स पे था एलोंग विद अफेयर्स एज वेल एज सम स्टैटिक पोर्शन रिपोर्ट्स बजट सर्वे इन पे ज्यादा फोकस था दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू और इंटेंसीफाई फर्दर तो क्योंकि यहाँ से करंट निकाल लिया गया तो चांसेस हाई हैं कि यहाँ पर करंट का जो वेटेज है जो इंटेंसिटी है उसको और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यहाँ से और ज्यादा एग्जिट उन्होंने ले लिया है फेज वन में तो देट इज that I दैट आई सी हैपनिंग नाउ इट कि आप स्टैटिक बिल्कुल ही भूल के चले जाओ उसको एक बार प्लीज पढ़ लेना लेकिन तीन बार की जगह एक बार पढ़ोगे तो भी शायद टैकल कर लोगे तो वहां पर थोड़ा सा एफर्ट कम कर सकते हो जीरो नहीं करना है एफर्ट कम कर सकते हो और करंट अफेयर्स में एफर्ट बढ़ा सकते हो यहां पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे वो लोग बोलेंगे कि यार ईएसआई गवर्नमेंट स्कीम्स फेज वन में नहीं पूछा तो अब छोड़ देता हूं फेज टू में नहीं आएगा फेज टू में भी नहीं पूछेंगे शायद बट उल्टा होगा इट माइट इंटेंसिफाई फर्दर इन फेज टू बिकॉज फेज वन में नहीं पूछा उल्टा रीजनिंग उसकी हो सकती है वेरी हाई चांसेस ओके अफकोर्स दिस इज ऑल प्रोडिक्शन सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट माइट नॉट वर्क बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ Predicting, that is the beauty of trying to forecast what might happen and preparing accordingly. ki aap thoda sa risk le rahe ho but the returns, the chances of returns are very very high. Okay? ab आ जाते hain last pe which is uh, English. English में अगर last year का पेपर देखोगे, मैं एक बार 2023 का पेपर निकाल लेता हूँ, although यहाँ पर भी है, but I love to change the screen. मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. लास्ट ईयर जो एस से पूछे गए थे दे वर नंबर वन वॉट इज सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट वट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड है थोड़ा सा सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट ऑल दो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है बट डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से ना पूछ के जो लाइफ स्टाइल जो चेंजेस चल रहे हैं हमारे जीने के तरीके में उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किया है सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट तो लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड उन्होंने ऐसे पूछा है इसके लिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज्यादा नंबर्स या बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरत नहीं है वो यहाँ पे लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट हाउ इट वर्क एंड आर द एडवांटेजेस फ्रॉम अ परपेक्टिव एंड आर द चैलेंजेस इट इज ब्रिंगिंग अप फ्रॉम अ दैट इज इंपॉर्टेंट सेकेंड दर इज एन इमेंस नीड ऑफ मल्टीलिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर बिजनेस अगेन मैनेजमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है लाइफ स्टाइल और मैनेजमेंट मिक्स है मल्टीलिंग्विस्टिक सोशल मीडिया अकाउंट्स क्योंकि हम एट द एट वन पॉइंट वी आर ग्लोबलाइजिंग फर्दर वी इंटीग्रेटिंग फर्दर बट एट द सेम टाइम मल्टीपल लैंग्वेजेस आर गेटिंग इवन मोर इम्पोर्टेंस क्योंकि कंपनीज को पेनेट्रेट करना है जल्दी से जल्दी रीजनल एरियाज में तो वह लैंग्वेज को और ज्यादा वेटेज दे रही है देर नॉट वेटिंग फॉर पीपल टू लर्न इंग्लिश दे आर टॉकिंग इन देर ओन लैंग्वेज ओनली कि तुमको मराठी आती है मैं मराठी में ही बात करके तुमको सामान बेचूंगी दैट इज हाउ कंपनीज आर ऑल्सो इवाल्विंग In need of multi social media accounts for business, it's a mix of management and lifestyle. Okay, in every organization, third question, especially in modern day, employees focus on personal value and purpose in the organization again, management oriented. Okay, fourth question, economic impacts of climate change on developing countries. Ye bilkul, our current affairs focused question. So, the questions in English, the essays in English are a mix of management, lifestyle.

एवोल्यूशन uh, हो रहा है विच माइट रिजल्ट इन समथिंग वेरी ड्रास्टिक एंड वेरी बैड फॉर एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल एज ग्लोबल पीस उसके ऊपर कुछ पूछ सकते हैं सो दे माइट बट मैनेजमेंट ओरिएंटेशन भी है बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन उस पर फोकस दोनों सेबी और आरबीआई दोनों ही कर रहे हैं सो दे माइट कंटिन्यू डूइंग द सेम एज वेल ओके सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इन माई अंडरस्टैंडिंग की फेज वन में जो हुआ है उसके बेसिस पे वॉट कैन वी एक्सपेक्ट इन फेज टू एज हैपनिंग एंड हाउ कैन यू प्रिडिक्ट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कट ऑफ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इज हाउ कैन यू एक्चुअली यूज इट टू योर एडवांटेज मैं एक छोटे से स्टोरी से फिनिश करना चाहूंगा छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से फिनिश करना चाहूंगा जो मुझे कल हुई पहले भी हो चुका है रेवोल्यूशन बट कल फिर से मैंने क्रॉस चेक किया और फिर से मुझे सेम रेवल्यूशन हुआ दैट आफ्टर फेज वन A lot of students, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स अलॉट ऑफ पीपल स्टार्ट थिंक यार अब दो तीन दिन का रेस्ट तो बनता है रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे या फिर अगर ये भी सोच रहे हैं कि दो दिन बाद तैयारी करूँगा तो दो दिन का सात दिन खिंच जाता है But another set of students who I want to focus upon, फोकस अपॉन thinking otherwise। या फिर मैं चाहूँगा कि पहले वाला सेकेंड वाली कैटेगरी में चला जाए मैं उसको jump करवाना चाहता हूँ जो तो ये सोचेगा कि फेज वन हो गया फेज टू और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आफ्टर फोर्टी डेज फेज टू अब फेज टू मेरा नेक्स्ट टारगेट है जैसे फेज टू हो गया फेज टू हो गया अब इंटरव्यू मेरा नेक्स्ट टारगेट है तो अंडरस्टैंड जंग अभी बाकी है अभी काम पूरा नहीं हुआ है द वर्क इज नॉट एट कंप्लीटेड देर फोर आई केन नॉट रिलैक्स टू मच आई नीड टू रिलैक्स बट आई के नॉट रिलैक्स टू मच आई नीड टू स्टे फोकस्ड तो अपने आप को बहुत ज्यादा लीवे नहीं देना है एट द सेम टाइम डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट बट अंडरस्टैंड

अगले तीस दिन में रोज अगर दस मिनट निकाल लोगे पास्ट ईयर पेपर्स के लिए बिलीव मी इट इज गॉन टू मेक अ मैसिव डिफरेंस इन हाउ यू लुक एट द पेपर एंड इन हाउ यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट सी यू वेरी वेरी सुन टेक केयर बाय बाय ओवर एंड आउट